दोस्तों आज हम बात करेंगे तारा भाई हगिन तक। ओ भाई कैसे करता है यार ये, मम्मी के इतने डंडे खाता है संडे को, इतने लट खाता है मम्मी के संडे को, किसी ना सोची ना होगी। भाई तेरे लच्छन भी कुटने वाले हैं। बात तो सही है। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इस लॉकडाउन में इस जून के महीने में इतना तगड़ा स्टाइल कर देगा, इस थोबड़े का नक्शा इतना तगड़ा कर देगा, सोची नहीं होगी। भाई तू कितनी हेयर स्टाइल बदल ले, कितने ही मेकअप कर ले, कितने ही फेशियल करा ले, तेरी शक्ल गंदी की गंदी रहेगी। बाकी जोगिंदर भाई का सीना बहुत मजबूत है, मतलब जोगिंदर भाई का सीना इतना मजबूत है कि अगर इनके सीने में आके गोली लग जाए तो गोली पलट के चले जाए। खाने में क्या क्या है? खाने में तो बहुत कुछ है, मगर तेरी औकात को देखते हुए लग नहीं रहा कि तू कुछ खा पाए। यहाँ का ऑनर कौन है? अमा जावेद भाई, उसके मुंह से निकल गई औकात, नहीं वो हालत बोलने वाला था। आपकी हालत नहीं है कुछ खाने वाली, आपको देख के लगता नहीं है कि आप हवा के अलावा कुछ भी खाते होंगे। मेरे कपड़ों को देख के मेरी औकात का अंदाजा लगा रहा। अमा जावेद भाई, वो आपके कपड़ों को देख के आपकी औकात का अंदाजा नहीं लगा रहा था, एक्चुअली आपकी शकल भी गरीबों वाली है। रेस्टोरेंट शोएब का नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट लगते खरीदने में। जावेद भाई आपको तो 5 मिनट लगते खरीदने में, लेकिन बेचने वाला भी तो तैयार हो, बेचने वाला ही मना कर देगा तो हो जाएगी ना बेइज्जती आपकी। ये देखो अमीर बाप की गरीब औलाद को, भाई कम से कम जूते तो पॉलिश करवा लेते। जावेद भाई आपने वो कहावत सुनी नहीं है, इंसान के जूतों से उसकी औकात का पता चलता है, तभी तो बेटर आपको पहचान नहीं पा रहा आप हो कौन। चलो भाई हालत तो आपकी अलग है गरीबों वाली, जूतों से तो अमीर लग जाता। रणवीर सिंह जब कुछ पहन के आता है तब मैंने नहीं सुना है तुम लोगों के मुंह से कि आज ढंग के कपड़े पहन के आए हैं। Then why you commenting on a women's dress? क्यों कमेंट कर रहे हो यार किसी लड़की के कपड़ों के ऊपर? हाँ लेकिन उर्फी जावेद का कहना भी सही है कि ये सब बोला जाता है जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उर्फी जावेद कपड़े कहाँ पहनती है आप बताइए? नहीं नहीं आप बताइए, कपड़े पहनती है उर्फी जावेद? उर्फी जावेद कभी ये पहनती है कभी ये पहनती है, इन्हें कपड़े नहीं कहते हैं, ठीक है। अब जो लड़की कपड़े पहनती नहीं है आप उसके लिए ऐसा बोलोगे तो गलत है ना। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। यार अगर लोग चूतिया हैं तो मैं क्या करूँ यार, ये बताओ। अब यही देख लो, वो खुद मान रही है जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो चूतिया हैं। भाई समझो यार कैसा, मतलब हमको करो फॉलो, लोग तुम्हें चूतिया कह रहे हैं तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो। यार मुझे ना तुमसे प्यार हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये है वरुण भाई, इनको हर राह चलती लड़कियों से हो जाता है प्यार, तो चलिए देखते हैं इनके ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। प्यार सबको होता है तो कि सबको हाँ बोल दूं? ये देखो लड़का इनसे यहाँ प्यार का इजहार कर रहा है और ये बोल रही है सबको होता है। अरे बहन सबको होता है तो सबको तेरे से ही दूरी होता है। मुझे मना करने के बाद इज्जत घूम रही हो, इसको बटा ले तुमने, वाह ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वरुण भाई के हिसाब से लड़की और किसी के साथ नहीं घूम सकती, अगर वो किसी लड़की के साथ घूम रही है उसका मतलब है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। वरुण भाई भाई भी होता है, फ्रेंड भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। प्यार तो हम भी आपसे करते हैं तो क्या मैं हाँ समझूं? इस 60 सेकंड की वीडियो में वरुण भाई को किसी से प्यार भी हो गया, उसने मना भी कर दी, वरुण भाई ने उसे कन्विंस भी कर दिया, वो मान भी ली। बहन जब मानना ही था तो पहले ही मान जाती, क्यों इतना ड्रामा किया है?